महिला पहलवानों से जुड़ी हुई बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। जिन 7 महिला पहलवानों ने जो आरोप लगाए थे उनमें एक नाबालिग है, और इसी को लेकर बृजभूषण शरण सिंह पर पॉक्सो एक्ट लगा था। लेकिन अभी जो खबर आ रही है वो जो नाबालिग पहलवान है उनके कुछ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, तो उनमें अभी तो जो उम्र जो बताई जा रही है वो तो बालिग है। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि उस टाइम जब ये आरोप लगे थे उस टाइम उनकी एज कितनी थी, तो ये बताया जा रहा है कि अगर ये उसमें एज उनकी जैसे अगर बालिग वो हो चुकी हो तो ये पूरा मामला पलट सकता है और ये पॉक्सो एक्ट भी हट सकता है। तो बताओगे इसके बारे में? जी, बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो जांच चल रही है यौन उत्पीड़न के मामले में, अब उसमें एक नया मोड़ आ सकता है। जी जिन 7 महिला पहलवानों ने जो आरोप लगाए थे बृजभूषण पर, उनमें से एक नाबालिग थी, जिसके कारण इन पर पॉक्सो एक्ट के तहत भी मामला दर्ज हुआ था। जी तो जो नाबालिग है तो उसके ताल्लुक से पुलिस को जांच के दौरान रोहतक से कुछ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। अच्छा तो इस आधार पर पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जिस दौरान उन्होंने बृजभूषण पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं उस दौरान वह नाबालिग थी या बालिग हो चुकी थी। अच्छा तो अगर ये साबित हो जाता है कि उस वक्त वो बालिग थी और इसकी पुष्टि हो जाती है तो मुकदमे से पोक्सो की धारा हट सकती है। अच्छा लेकिन अभी कुछ पहले ये न्यूज भी आई थी, जो महिला पहलवान उन्होंने आरोप लगाया था कि बृजभूषण शरण सिंह के जो आदमी हैं वो स्कूल गए हैं और उनकी कोशिश हो रही है उनके एज बढ़वाने की, डॉक्यूमेंट्स जो है उस नाबालिग पहलवान के। जी, ये बात साक्षी मलिक ने कही थी कि खुद उस स्कूल में जाकर उनकी जो जन्म की तारीख है उसको चेंज कराने की कोशिश की गई है। अच्छा तो हो सकता है ऐसा भी कुछ चल रहा हो, क्योंकि इस ताल्लुक से जो अभी खबर सामने आई है इससे कहीं कहीं ना ना कहीं उसी से कहीं जुड़ी हुई है। जी उसी से जुड़ी हुई है।